क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को सो के उठे हों सवेरे और आपकी आंख आपको लाल मिली हो, आपकी आंख में एक रेड स्पॉट आ गया हो? जी हाँ, इसको कहते हैं सबकंजक्टिवल हेमरेज। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्राना और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑन YouTube पर। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत कॉमन टॉपिक है। हम जब भी रात को सो के उठते हैं, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि रात को सो के उठने के बाद ही पेशेंट को दिखाई देता है कि पेशेंट की आंख में एक लाल धब्बा आ गया है। ऐसा लगता है कि ऐसे लाल स्पॉट बन गया है, वहाँ पे खून जमा हो गया है। तो आखिर वो क्या होता है? देखिए, इन जनरल अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो अगर आपके हाथ में या आपके पैर में अगर कहीं चोट लगी है तो नील पड़ जाता है। वो नील क्या होता है? वो नील भी एक ब्लड क्लॉट होता है जो जम जाता है बहुत ज़ोर से हिट करने से। इसी तरह हमारी आँख में भी ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे कि ब्लड क्लॉट वो कैसे इकट्ठा होता है, क्या वो डेंजरस है और उसका ट्रीटमेंट। देखिए, जो आँख में खून का धक्का जमा हो जाता है उसको उसके बनने के कुछ कारण होते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज़ोर से कोई चोट लग गई है, जैसे आपको किसी का हाथ लग गया है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब डुशुम डुशुम होती है तो विलन की सिर्फ आँख ही लाल होती है, अंदर खून जमा हुआ होता है, तो प्रेशर से अगर आपको कोई चीज़ लग गई है उसकी वजह से होता है। या आप रात को सो रहे हैं और आपने बेध्यानी में बहुत ज़ोर से रगड़ दिया है, तब भी ब्लड क्लॉट आँख में जमा हो सकता है। या आपने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया है तब भी ब्लड क्लॉट जमा हो सकता है। या आप सो रहे हैं, अगर सो भी नहीं रहे हैं, दिन में जगे भी हैं और आपकी आँख में ड्राइनेस है, खुजली हो रही है और आपने बहुत ज़ोर से रगड़ दिया है, तब भी ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो सकता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपको शुगर है, तब भी ये धक्का आँख में जमा हो सकता है। आइए बड़ी सिंपल सी भाषा में समझ लेते हैं ऐसा होता क्यों है। देखिए, हमारी जो काली पुतली है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसके चारों तरफ का जो भाग है, जो वाइट रंग का भाग है, उसको हम स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा में हमारे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब जहाँ पे आपका बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, जहाँ पे ब्लड वेसल्स का एक पूरा गुच्छा होगा, अगर वहाँ पे जोर से कोई चीज़ लग जाए या आप उसको जोर से रगड़ दें तो उस वेसल में से ब्लड लीक होने लगेगा। ब्लड लीक होने की वजह से वो ब्लड सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण वो सामने से धब्बा दिखाई देता है, जिसको हम ब्लड का धक्का बोलते हैं या बोलते हैं कि ब्लड आँख में खून आ गया है। जनरली आँख में ब्लड आना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज़ होती है, ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है 2 से 3 हफ्ते। ये डिपेंड करता है कि आँख में कितना बड़ा स्पॉट बना है। अगर वो छोटा स्पॉट है, 5 से 10% का स्पॉट है, तब वो 4 से 5 दिन में चला जाएगा। अगर 15 से 20% या 30% है तो उसको जाने में हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50% 60% का ब्लड क्लॉट बना है, तो कभी कभी इसमें 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसमें कोई ट्रीटमेंट कुछ खास चलता नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट इस तरीके की सिचुएशन देख घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि हमारी आंख में क्या हो गया, कहीं हम अंधे तो नहीं हो जाएंगे। इसीलिए वो बार 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 अपने डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। अब होता क्या है कि ये सेल्फ हीलिंग डिजीज़ है, इसमें कोई दवाई ज़्यादा काम करती नहीं है, तो आप 4 दिन एक डॉक्टर की दवाई लेंगे, फिर आपको लगेगा अरे इन डॉक्टर से तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है, फिर आप दूसरा डॉक्टर चेंज करेंगे, वो आपको नई दवाई लिख के देंगे, फिर आप दूसरा डॉक्टर चेंज करेंगे, वो आपको नई दवाई लिख के देंगे। इसलिए पेशेंट का मोराल भी थोड़ा डाउन होने लगता है और पेशेंट थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेशन में जाने लगता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप घर पे ही ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो खून का धब्बा बना हुआ है, जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है, उससे आपको कोई खतरा है या नहीं। देखिए, आपको करना क्या है, आपको सपोज आपकी राइट आई में खून का धब्बा आ गया है, तो आप अपनी लेफ्ट आई को बंद करके उससे अपनी विजन चेक करिए। अगर आपकी विजन बिल्कुल ठीक है, आपको जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसे ही सब कुछ दिख रहा है, देन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है और साथ में पेन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी आँख में धब्बे के साथ, ब्लड क्लॉट के साथ आपकी विजन भी कम हो रही है, तब हाँ आपको थोड़ा डरने वाली बात है। उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूर चाहिए। आप दोनों केस में डॉक्टर को दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम है। अगर तो आपकी विजन बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी जो ठीक वाली आँख है उसको बंद कीजिए, जहाँ पे धब्बा है उससे देखिए, अगर आपको आपकी विजन ठीक लग रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि क्लॉट सिर्फ बाहरी हिस्से में होता है, जिससे हमको डरने की कोई बात नहीं होती है, लेकिन अगर जो वही चोट अगर आपको जोर से लगी है और अगर वो आँख के पीछे वाले हिस्से में या कॉर्निया के अंदर आपको ब्लड दिख रहा है, तब डरने वाली बात है। उस केस में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, वो आपकी आंख को पूरी तरह एग्जामिन करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे।
सपोज आप सुबह उठे हैं और आपको आपकी आंख में एक खून का डब्बा दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी आंख जो ठीक वाली आंख है उसको बंद करना है, अपनी विजन चेक करनी है। अगर तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको विजन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चेक कराइए। जनरली इसमें दो तीन तरीके की दवाई दी जाती है, माइल्ड, स्टीरॉयड, लुब्रिकेटिंग और हल्की सी एंटीबायोटिक। ये कॉमन दवाइयाँ हैं जो आपके डॉक्टर आपको लिखेंगे, लेकिन अपने आप से कोई दवाई मत लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ये था एक छोटा सा वीडियो आँख में रेड स्पॉट के लिए। जब भी आपको अभी कभी अपनी आँख में या अपने फैमिली मेम्बर के किसी आँख में इस तरह का रेड धब्बा दिखता है, तो जो मैंने आपको बताया उस तरह से आप उसको घर में भी एग्जामिन कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सेटिस्फेक्शन के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।